हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं ज्योति फ्रॉम जोवा स्टाइलिंग एंड फैशन आज लेकर आई हूँ एक नई वीडियो। यहाँ हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन कुर्ती शॉपिंग के बारे में। जो मैंने ऑनलाइन कुर्तीज़ मंगवाई हैं उनके बारे में, उनके रिव्यू के बारे में। मैंने कुछ अभी मंगवाई है, कुछ एक दो पहले से की भी हैं, मैं इनका रिव्यू देने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरी फर्स्ट कुर्ती है ये अनारकली कुर्ती है। ये पॉलिश सिल्क फैब्रिक में, गोल्डन कह लीजिए या बेश कलर में है ये कुर्ती, और ये काफ़ी प्यारी कुर्ती है। ये अनारकली स्टाइल में है ये कुर्ती। काफ़ी अच्छी लेंथ है इसकी, ये एंकल लेंथ कुर्ती है। फोटो में आप देख लीजिएगा, एंकल लेंथ कुर्ती है और काफ़ी सुंदर कुर्ती है ये। ये इसकी नेक पे स्ट्रिंग डिटेलिंग हो रखी है, आप देख लीजिए, काफ़ी सुंदर नेक डिटेलिंग बना रखी है इसकी। और ये नीचे तक इसका ये घेर है। एज़ पर द रेट मुझे इसका घेर भी काफ़ी अच्छा लगा, और इसका फैब्रिक पॉलिश सिल्क फैब्रिक है, बट ये फिर भी काफ़ी स्मूथ फैब्रिक लगा मुझे, अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम इस फैब्रिक की कुर्ती ली है, मुझे ये फैब्रिक अच्छा लगा, स्मूथ है, इरिटेटिंग नहीं है। और ये 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं हमें इसकी, और आगे कुर्ती पे पूरी पे ये फॉयल प्रिंट है। मैंने इसे वॉश नहीं किया है तो आई डोंट नो, बट ये कुर्ती काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे एज अ लुक। ये फेस्टिव कुर्ती या पार्टी वेयर कुर्ती हो सकती है, इसे आप अच्छे से स्टाइल करिए। अगर आप टिप्स चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आप इसे अच्छे से स्टाइल कीजिए, ये एक फेस्टिव कुर्ती के अकॉर्डिंग यूज़ हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है ये पीच कलर की चंदेरी कॉटन फैब्रिक में। ये बहुत सुंदर कलर है, पीच बहुत सुंदर कलर है, जो हमें साइट पे या अमेजोन पे जो हमें पिक में नज़र आ रहा है ना कलर, उससे बहुत प्यारा कलर ये निकला है। मुझे साइट वाले कलर से ज़्यादा अच्छा ये जब मुझे घर पे डिलीवर हुई तब इसका कलर मुझे ज़्यादा पसंद आया था। बहुत सुंदर पीच कलर में है ये। अगेन ये एक अनारकली कुर्ती है। इसकी नेक डिटेलिंग देखिए फ्रेंड, ये गोटा पट्टी वर्क जो हो रखा है इसकी नेक डिटेलिंग पे, बहुत सुंदर है ये इसकी नेक। और इसकी नेक हमें बैक से भी थोड़ी डीप नेक मिलती है, और ये 3/4 ये स्लीव्स, आई थिंक ये एल्बो स्लीव्स हैं, 3/4 स्लीव्स नहीं है, ये एल्बो स्लीव्स हैं। ये स्लीव्स मिलती हैं हमें इसकी, स्लीव्स पे भी आगे ये डिटेलिंग दे रखी है गोटा पट्टी की। और ये अनारकली कुर्ती है फ्रेंड्स, ये देखिए अनारकली कुर्ती है, नीचे से घेर में है। अगेन नीचे इसके बॉर्डर में भी हमें ये डिटेलिंग दे रखी है गोटा पट्टी की, ये लेस की डिटेलिंग बोल लीजिए आप। और इसके पूरे ड्रेस पर ना ये कुछ गोल्डन वर्क काइंड ऑफ हो रखा है इसके अंदर, जो ये देखिए वीडियो में आपको दिख रहा है, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है इससे। ये थोड़ा पॉपअप टाइप ऑफ लग रही है ये ड्रेस, जैसे अगर इसको आप पार्टी वेयर पार्टीज में पहनते हैं या फेस्टिव कुर्ती कह सकते हैं। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये, और बिकॉज ऑफ दिस फैब्रिक ही आई थिंक वॉश करने से भी डल नहीं होगी, क्योंकि इसका फैब्रिक ही पार्टी वेयर फैब्रिक है, ये कॉटन नहीं है। तो काफ़ी अच्छी है, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे ले सकते हैं। ये अमेजोन पर 699 रुपीज़ में अवेलेबल है अभी 65% ऑफ अगेन चल रहा है, आई डोंट नो व्हाई, बट ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं ज़रूर अगर पसंद आए तो। नेक्स्ट है फ्रेंड ये वाली प्रिंटेड सिंथेटिक फैब्रिक की ड्रेस। ये नी लेंथ या थोड़ी सी नी से नीचे तक की लेंथ की ए लाइन कुर्ती ड्रेस है ये। बहुत सुंदर फैब्रिक, बहुत ही फ्लोई फैब्रिक है ये, और बहुत सुंदर प्रिंट, बहुत प्यारा कलर, मुझे बहुत सुंदर लगी ये ड्रेस, मेरे माइन फेवरेट वन ऑफ है ये। बहुत ही सुंदर ड्रेस है, ए लाइन ड्रेस है ये। इसका नीचे घेर देखिए आप, बहुत सुंदर घेर है ये, मुझे बहुत पसंद आई ये वाली। देखिए कितना ज़्यादा घेर है इसमें, बहुत सुंदर ड्रेस है। मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया मुझे, ये दो कलर्स में अवेलेबल है, लाइट ग्रीन कलर में भी है ये, और ये नेवी ब्लू कलर में भी थी। मैंने ये नेवी ब्लू ली है, आप लाइट ग्रीन के लिए भी जा सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। ये इसकी वी नेक है, आगे और पीछे वी नेक है इसकी, और ये फेरी बेल स्लीव्स आई थिंक हैं। बहुत सुंदर स्लीव्स, बहुत सुंदर फैब्रिक, सिंथेटिक फैब्रिक है ये, बट बहुत ही अच्छा फ्लोई फैब्रिक
फैब्रिक है, एक अच्छा फ्लो देता है आपको, और ये मेरी बेस्ट ड्रेस है, मुझे बहुत पसंद है ये, और ये 849 समथिंग में है अमेजोन पर, और इस रेंज में इतनी अच्छी ड्रेस मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी, और अगर आपको भी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ चेकआउट कीजिएगा, ये काफ़ी सुंदर ड्रेस है। और ऐसे ही सेम इसी फैब्रिक में एक और ड्रेस ली है मैंने, ये मेरे पास पहले से है और ये मैंने अभी मंगवाई है जस्ट, ये देखिए ये सेम वही फैब्रिक है, इसकी स्लीव्स फुल स्लीव्स हैं, ये आगे कुछ इस तरीके की डिटेलिंग दे रखी है इस पर, कुछ डिज़ाइन काइंड ऑफ स्लीव के ऊपर, ये यहाँ एक छोटा सा बटन लगाकर कुछ डिज़ाइन दे रखा है स्लीव के ऊपर, और इसका भी प्रिंट अगेन काफ़ी सुंदर प्रिंट है, मुझे प्रिंट ही काफ़ी पसंद आया था, स्लीव्स मैंने अभी देखी नहीं है ये ऐसी ट्राई करके स्लीव्स, लेट्स सी कैसी लगती हैं, बट मुझे अच्छा लगा इसका ये डिज़ाइन, इसका ये प्रिंट, कलर, अगेन कलर भी बहुत अच्छा है इसका, और ये जो डिज़ाइन है अगेन अनारकली में ही है, इसमें भी नीचे काफ़ी अच्छा फ्लेयर मिलता है आपको, ये देखिए काफ़ी अच्छा फ्लेयर है इसका नीचे, ये देखिए, और ये इसकी नेक पे थोड़ा सा इन्होंने अलग शेप बनाया है इस तरीके का, ये दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये भी, बहुत सुंदर है, और इसका भी रेंज 700-800 के आसपास है, ये भी काफ़ी अच्छी है, अगेन फ्लोई फैब्रिक है तो समर्स के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, और ये नी लेंथ या नी से थोड़ा सा नीचे हाइट के अकॉर्डिंग भी हो जाता है, अगर आप 5'3" हैं, मेरी हाइट है 5'3" तो मेरी नी से काफ़ी नीचे आती है ये, तो काफ़ी अच्छी ड्रेसेस हैं, आप बिल्कुल चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है सभी के, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए, मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी हैं दोनों ड्रेसेस। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये एक अनारकली, अगेन अनारकली कुर्ती, बट ये कॉटन में है, बिल्कुल प्योर कॉटन फैब्रिक में है ये, और इसका प्रिंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका प्रिंट देख लीजिए, इसका बहुत ही अच्छा प्रिंट है, और मैंने ये कुर्ती, इसका दूसरा कलर है मस्टर्ड येलो या मस्टर्ड कलर आप कह सकते हैं, उस कलर में पहनी है, काफ़ी पहनी है, और फिर मैंने दोबारा ये इस कलर में भी मंगवा ली, मुझे काफ़ी पसंद आई थी, वो वाली भी अभी भी है मेरे पास, और ये फिर मैंने अगेन मंगवा ली दोबारा से इसका दूसरा कलर, तो आप देख सकते हैं इसका दूसरा कलर भी काफ़ी अच्छा है, और ये भी मुझे बहुत पसंद आया, ये बॉटल ग्रीन या डार्क ग्रीन कह सकते हैं आप इस कलर को, और इसकी जो नेक है ना, यहाँ ये फॉल्स बटन लगे हुए हैं, ये देखिए ये क्लोज्ड है आगे से, लेकिन फॉल्स बटन है ये, जो इसके यहाँ बटन दे रखे हैं ये फॉल्स हैं, ये 3-4 स्लीव्स मिल जाती है हमें इसमें, देखिए 3-4 स्लीव्स मिलती है हमें इस कुर्ती में, आगे बटन डिटेलिंग है, लेकिन ये फॉल्स बटन है, ये ओपन नहीं होती है आगे से, और नीचे से ये ए लाइन कुर्ती है, ये देखिए ए लाइन कुर्ती है, फ्रॉक कुर्ती है, ए लाइन कुर्ती जो हम बोलते हैं अनारकली कुर्ती, कॉटन में है, यहाँ एक सेंटर में स्लिट है, जो बटन्स दे रखे थे क्लोज, उसके बाद एक लास्ट में सेंटर में स्लिट दे रखा है नीचे, और काफ़ी अच्छा लुक आता है इसको पहनने के बाद, और यहाँ इसके योक एरिया पे, कमर पे जिसे हम बोलते हैं कमर पे, यहाँ योक एरिया पे ये देखिए एक स्ट्रिंग डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने, इसको टाइट या लूज़ करने के लिए, जैसे अगर आपको कमर पे ये टाइट है या लूज़ है, या इस तरीके से आप इसको स्ट्रिंग को खींचिए और ये यहाँ से फिटिंग हो जाती है, फिटिंग में आ जाती है, ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, हमें अलग से फिटिंग नहीं करवानी पड़ती अगर कुछ आपको मार्जिन लगता है इस, देखिए इस तरीके से पीछे से भी और ये आगे से भी ऐसे टाइट हो जाएगी अगर आप स्ट्रिंग्स को खींच के नोट लगाएंगे, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और कॉटन में है तो समर्स के लिए काफ़ी अच्छी कुर्ती है, काफ़ी अच्छा प्रिंट है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, आपको पसंद आई तो, मुझे काफ़ी पसंद आई, और इसी तरीके की कॉटन कुर्तीज़ हम समर्स में थ्रू आउट पूरे समर्स पहन सकते हैं, विद लेगिंग्स, प्लाजोज, किसी भी तरीके से इनको पहन सकते हैं, मुझे काफ़ी अच्छी लगी कॉटन की। अगेन ये दूसरी कुर्ती है मेरी, ये भी सेम कॉटन फैब्रिक में ही है, और ये भी रेड कलर के बटन्स के साथ अनारकली कुर्ती है, ये देखिए अनारकली कुर्ती है ये भी नीचे से, और यहाँ इसके नेक पर रेड कलर के बटन्स दे रखे हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे हैं गोल्डन डिटेलिंग के साथ, मुझे बहुत सुंदर लगे इसके बटन्स, बहुत क्लीन अच्छे से लगाए गए हैं, ये एक बैंड नेक में है, ऊपर नेक इसकी बैंड दे रखी है, एंड एक वी कट देकर यहाँ बटन्स दे रखे हैं, रेड प्रिंट है इसका, ये देखिए ब्लू पे रेड प्रिंट दे रखा है, 3-4 स्लीव्स हैं, और एंड में स्लीव्स के एक आपको रेड कलर की डिटेलिंग दे रखी है, ये ब्लेज डिटेलिंग है या
क्लॉथ फैब्रिक डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने स्लीव के एंड पर। अगेन सी ये स्लीव्स हैं, ये भी काफी अच्छी है, ई लाइन कुर्ती है, कॉटन फैब्रिक है तो समर फ्रेंडली है। काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये सारी कुर्तीज़, और कॉटन में प्रिंट्स इतने अच्छे आते हैं कि आप समझ में थ्रू आउट ईजीली कैसे भी कैरी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी कुर्तीज़ हैं ये, मैंने फ्लिपकार्ट से ली है तो मैं लिंक आपको ज़रूर डाल दूँगी, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए। और मुझे ये कुर्तीज़ काफ़ी पसंद आई हैं, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ जाकर देखिए कैसी लगती हैं आपको और ट्राई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी मेरी कुछ ऑनलाइन कुर्तीज़, अनारकली कुर्तीज़ जो मैंने ऑनलाइन अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से ली हैं। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक चेक कर लीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी आने वाली वीडियोज़ और भी मज़ेदार होने वाली हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय फ्रेंड्स।